अभी सभी लोग बात कर रहे हैं एसयूवीज के ऊपर, बिग 7 सीटर एसयूवी के ऊपर, लेकिन कोई स्मॉल व्हीकल के ऊपर बात ही नहीं कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 अपकमिंग स्मॉल व्हीकल्स जो कि मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, टाटा, एमजी और सिट्रोन जैसे कंपनियों की तरफ से इंडिया के मार्केट में लॉन्च करी जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको 6 गाड़ियों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपका सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है, तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर ऑल क्लिक कर लीजिए। पहले नंबर पे आ जाती है एमजी के एआर इलेक्ट्रिक व्हीकल। एमजी इंडिया के मार्केट में टाटा टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डायरेक्ट राइवल स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करने जा रहा है। वो होने वाला है एमजी एआर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि 2023 में लॉन्च करी जाएगी। ये एमजी एआर इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस शुरू हो सकता है 8 लाख से। ये गाड़ी बायर्स के लिए एक कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाला है। सेकेंड में आ रही है न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। काफी सेल होने वाली, काफी ज्यादा पॉपुलर हैचबैक है इंडिया के मार्केट में। इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल इंडिया के मार्केट में काफी जल्द लॉन्च होने वाला है, और ये स्मॉल हैचबैक कार होने वाला है इंडिया की मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार, जो कि 35 to 40 km/h का माइलेज देने वाली है। इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा 1.2 लीटर हाइब्रिड इंजन। जी हाँ, हाइब्रिड इंजन ये गाड़ी में आपको फ्यूचर में देखने वाला है। उसके साथ साथ अपडेटेड एक्सटीरियर डिज़ाइन, एक नया कैबिन इंटीरियर में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ कई सारे न्यू फीचर भी ऐड किए जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड है मिड और एंड 2023 तक इंडिया के मार्केट में लॉन्च करी जाएगी। नंबर 3 पे आ जाती है ह्यूंडई के ग्रैंड आई10 नियोस की फेसलिफ्ट मॉडल। ह्यूंडई नेक्स्ट ईयर मल्टीपल व्हीकल्स को लॉन्च करने वाले हैं 2023 में। उसके साथ साथ ग्रैंड आई10 नियोस की फेसलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च करी जाएगी। ये देखने को मिल चुका है रास्ते पे टेस्ट होते हुए तमिलनाडु में। कुछ एक्सटीरियर और इंटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ, कुछ नए फीचर्स के साथ ये गाड़ी को लॉन्च करी जाएगी। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाती है सिट्रोन के तरफ से C3 का इलेक्ट्रिक व्हीकल। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए 2023 में एक्सपेक्टेड है सिट्रोन अपने फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया के मार्केट में लॉन्च करने वाली है। ये होने वाला है C3 की इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें आपको 50 किलोवाट आवर की बैटरी पैक देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑफर करने वाली है 300 किलोमीटर का रेंज। ये रियल लाइफ रेंज होने वाला है, ना कि कंपनी के पेपर के ऊपर लिखा हुआ रेंज। ये फुल चार्ज में 300 किलोमीटर का रेंज आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 5 नंबर पे आने वाली है टाटा अल्ट्रोस की इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेलिंग में टाटा मोटर्स नंबर 1 है अभी 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में। अल्ट्रोस की इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफ़ी बार टीज किया जा चुका है, दिखाया जा चुका है, और ये गाड़ी काफ़ी जल्द लॉन्च होने वाली है। एक्सपेक्टेड है मिड ऑफ 2023 ये गाड़ी को इंडिया के मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। ये गाड़ी होने वाला है फास्ट प्रीमियम हैचबैक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाती है न्यू जनरेशन टाटा टियागो। एक्सपेक्टेड है इसके लॉन्चिंग एंड ऑफ 2023 को कर दी जाएगी। हो सकता है अगर डिले हो तो फर्स्ट हाफ 2026 में यह गाड़ी आपको देखने को मिल सकता है। टियागो करंटली बेस्ट सेलिंग सेफ एंड कंफर्टेबल हैचबैक के सेगमेंट में ये आ रही है। अगर बात करी जाए न्यू जेनरेशन में, आपको अपडेटेड डिजाइन के साथ साथ न्यू प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ नए फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसके साथ साथ अपडेटेड पावर ट्रेन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये था अपकमिंग 6 स्मॉल व्हीकल्स जो कि इंडिया के मार्केट में लॉन्च करी जाएगी कुछ दिनों के अंदर। आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? आप किस गाड़ी के लिए वेट करने वाले हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसे से नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हूँ।